सो हे गाइस, वेलकम टू कोड प्रेप यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि हम कैसे इस ब्यूटीफुल वेबसाइट को क्रिएट करेंगे फुल्ली कॉपी पेस्ट करके, और इस वेबसाइट को हम बनाएंगे, हम कुछ ही मिनट के अंदर बनाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आ जाते हैं हम अपने कोड एडिटर में। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ Tailwind CSS। Tailwind CSS एक CSS का फ्रेमवर्क है, और इसी की मदद से हम बनाने वाले हैं अपनी वेबसाइट को। हम जस्ट करने वाले हैं इसके कंपोनेंट्स को कॉपी एंड पेस्ट, और हमारी वेबसाइट फुल्ली रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे हम ये सब। मैं अपने ब्राउज़र में टाइप करता हूँ Tailwind CSS, और सबसे पहली लिंक को मैं ओपन करता हूँ। तो हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट में, हमें बस क्लिक करना है गेट स्टार्टेड में, और यहाँ पे प्ले CDN का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आपको ये वाला कोड कॉपी करना है। वैसे आप चाहो तो सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को भी कॉपी कर सकते हो, इसी से हमारे Tailwind CSS अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मैं पूरे कोड को कॉपी करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कर दूँगा इसे यहाँ पे पेस्ट इस तरीके से। और मेरा लाइव सर्वर अब भी ऑन है, तो मैं सीधे सीधे चल जाता हूँ, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और ये देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है, और फॉन्ट भी चेंज हो गया, इसका मतलब Tailwind अप्लाई हो चुकी है। अब मैं एक और वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है Tailblocks। Tailblocks लिखने के बाद मैं सबसे पहले लिंक को क्लिक करूंगा और उसे ओपन करूंगा। और आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो वहाँ पे ढेर सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने बनाए हमको मिल जाते हैं, और इसका इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। और तो अब जल्दी से जल्दी मैं एक कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ। तो जल्द से जल्द मैं एक नैव बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे हेडर के सेक्शन में नैव बार मिल गया है, तो मैं एक नैव बार को क्लिक कर लेता हूँ, और इसके ऊपर हमें ऊपर देख रहा है व्यू कोड, उसे क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, इसे रेड कर लेता हूँ। आप देख सकते हो लोगो रेड कलर में हो चुका है, और व्यू कोड को क्लिक करके कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर देना है हमें। और देखिए ये कॉपी हो चुका है, अब मैं इसे सीधा सीधा पेस्ट कर दूंगा। मुझे हेडिंग टैग नहीं चाहिए, मैं H1 को रिमूव कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और अब चलते हैं अपने लाइव सर्वर में, देखिए ये अपने हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं, हमारी Tailwind CSS अप्लाई हो गई है, और हमारा नया बार भी आ चुका है। तो मैं थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से Tailblocks को हटा के मेरे चैनल का नाम बोलता हूँ कोड प्रेप इस तरह से। और अब ये कुछ लिंक्स है जिनका नाम मैं ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, मतलब कि होम, अबाउट, ओप्स। तो मैंने यहाँ कुछ बेसिक चेंजेस कर लिए है, और अब मुझे ये फोर्थ सेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसे पूरा कम्प्लीटली रिमूव कर दूँगा इस तरीके से। बहुत बढ़िया, और देखिए चेंजेस हो गए हैं। अब मैं एक और कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं चले जाता हूँ हाँ हीरो सेक्शन में, और इस वाले कंपोनेंट को फिर से कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसे मैं पेस्ट करूँगा नैव बार के टैग जो है, नैव बार टैग उसके नीचे पेस्ट कर दूँगा, और देखते हैं। और ये देखिए हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखने लगी है, अब हमारी वेबसाइट को शेप आ गया है। और मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करके दिखा लेता हूँ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ इसे साइड बाई साइड रख देता हूँ तो ये थोड़ा सा मोबाइल वर्जन में दिखेगा, और इसे साइड में कर लेता हूँ। ये देखिए हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है, मतलब कि इमेज नीचे आ गई है, और हमारा जो कॉन्टेंट है वो टॉप पर चला गया है, एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी दिखने लगी है अभी। और इसके अंदर ही कंटेंट को हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने नैव बार में चेंज किया वैसे आप चेंज कर सकते हो, तो इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं वापस अपने Tailblocks की वेबसाइट में, और हमारा जो जो मेन सेक्शन है उसके नीचे वाला सेक्शन, उस वाले सेक्शन के लिए एक कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाले सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, तो व्यू कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और बस इसे बड़ा कर लेता हूँ अच्छे से देखिएगा, और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे अभी यहाँ पेस्ट कर दिया है, इसे सेव करता हूँ, और अपनी वेबसाइट में चल के देखते हैं इसका प्रीव्यू। और देख सकते हो आप
हमारा कंटेंट आ चुका है, मतलब हमारी जो कोड हमने कॉपी किया था उसका रिफ्लेक्शन मतलब कि आउटपुट हमको मिल चुका है। अब बस मैं इसकी इमेजेस को चेंज करूँगा और सबसे पहले देखता हूँ, मैं इमेज टैग को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे जो src है उसकी जगह पे मैं source.unsplash वाले API को यूज़ करता हूँ। ये बस इंटरनेट से हमारे लिए रैंडम इमेजेस ला लेगा, तो source.unsplash। और पता नहीं क्यों नहीं आई इमेज, शायद हाँ आ गई। और देखिए कितनी अच्छे से दिख रही है हमारी वेबसाइट। तो मैं हर जगह इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह इसे पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास 7 बार इमेज टैग है, तो हम इमेज टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे इसे इस तरीके से। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो मैंने सारे इमेज टैग में हमारा source.unsplash वाला API यूज़ कर लिया है। अब बस इसे रिफ्रेश करना है, हमारे इंटरनेट से इमेजेस आ लेगा और देखते हैं। और हाँ, इमेजेस लोड हो रही है, देखिए ऊपर हमें एक बंदे की इमेज मिल गई है और ये हमारी इमेजेस रैंडम इमेजेस मिल रही है हमें। और यहाँ पे इसे होवर करती है ऑटोमेटिकली ये कंटेंट आता है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये बहुत इजी चीज़ है, यहाँ पे अंदर ही लिखा हुआ है, उसे आप बस आपको चेंज कर देना है। और एक बेस्ट पार्ट ये है इस API का, जो source.unsplash वाला यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें हम जब भी रिफ्रेश करेंगे हमारी वेबसाइट को, हमारे इमेजेस चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है, रैंडम इमेजेस हमको मिलेंगे। तो चलिए अब फूटर वाले सेक्शन में चलते हैं और एक फूटर वाला कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं। और ये टेल ब्लॉक्स वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको मिल जाते हैं। तो फूटर वाला सेक्शन ऊपर ही होता है कहीं, तो यहाँ पे नहीं है, हेडर के ऊपर गैलरी, हाँ फूटर। तो इसमें से टॉप वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, व्यू कोड एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इससे सीधा सीधा नीचे जाके हम पेस्ट कर देंगे एकदम बॉटम में बॉडी के ऊपर। तो चलता हूँ एकदम मेन बॉटम में और सेक्शन के नीचे, जस्ट सेक्शन के नीचे इसे पेस्ट कर दिया। और सेव करते ही हमारा लाइव सर्वर रनिंग है, देखते हैं। और इमेजेस लोड हो गई है, इसके नीचे ये देखिए हमारा फूटर भी आ गया है। हम इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं सब इस कंपोनेंट के टॉप पे चलता हूँ जहाँ से कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सेक्शन के एग्जैक्ट नीचे। तो ये रहा सेक्शन, सेक्शन के नीचे। और मैं इसमें एक टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल करूँगा, पीजी हाइफन, और कलर का नाम दूंगा मैं पीजी मतलब बैकग्राउंड और ग्रे 200। और सेव करते ही आप देखना यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रे कलर आ गया है। मैं सेम यही चीज़ नैब बार के साथ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ टॉप पे, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैं टॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे जो नैब बार वाला कंपोनेंट है, मतलब जो नैब बार टैग है, उसमें इसे पेस्ट कर दिया। सेव करते ही देखिए वहाँ पे भी ग्रे कलर आ गया है, हमारी वेबसाइट एकदम परफेक्टली दिख रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेबसाइट हमने बना ली है। तो अब मैं इस वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखा देता हूँ, मतलब कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट मोबाइल में दिखेगी। और जिस तरीके ये देखिए इस तरीके से हमारी वेबसाइट मोबाइल में दिखने वाली है, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट इधर उधर नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम अलाइन सेंटर में है। और ये देखिए हमने इस वेबसाइट को पूरा कॉपी पेस्ट करके बनाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।